The fourth of exercise 6.4 क्या कहता है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, कोई से भी दो ट्रायंगल के जो एरिया है वो सिमिलर है, इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो जी, पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये दो ट्रायंगल ए बी सी डी ई गिवन क्या दे रखा है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ के। प्रूफ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ, ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो जो ट्रायंगल है सिमिलर, तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो एंगल है वो ऑब्वियसली सेम होंगे, है कि नहीं, और जो उनके साइड प्रोपोर्शनेट है वो भी इक्वल होगी, एंड ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ ए सी अपॉन में डी एफ ए सी अपॉन में डी एफ। ये हम ले लेते हैं इसको पहली इक्वेशन। अब सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में अंतर क्या होता है, एक होता है सिमिलैरिटी और एक होता है कॉन्ग्रुएंट, सिमिलैरिटी और ये होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि जो उनकी दोनों साइड्स होती हैं रेशियो वो इक्वल होती हैं, ठीक है, पर उसमें साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, जैसे इसमें होती है ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ ए सी अपॉन में डी एफ, ये तो इसमें थी। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, इसके प्रोपोर्शन नहीं है, ये सिमिलर में प्रोपोर्शन होती है लेकिन कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होती है, इसलिए हमें नाइन्थ क्लास में पहले कॉन्ग्रुएंट पढ़ाया जाता है ना कि सिमिलर। बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ, ये इस तरह का होता है, ठीक है। अब ये तो है, और हमें गिवन क्या है, एंड एक चीज़ और है, क्या दे रखी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी अपॉन में डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ का स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम 6.6 से आ गई। तो अगर हम बात करें इन इक्वेशन सेकेंड, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन में डी ई का स्क्वायर बी सी अपॉन में ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ का स्क्वायर बाय। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसके इक्वल होगा अगर हम इसको काट दें तो, क्यों भाई, गिवन क्या था भाई हमें, ए बी सी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, तो दैट मीन्स हम इसको कट कर सकते हैं, सो इट्स गिवन, ठीक है। अब बात करें उसके आगे की, अगर इन दोनों काट दें क्या बचेगा, वन, लोग गलती से जीरो लिख देते हैं भाई, माइनस नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना इस चीज़ का। बी सी इजिकल टू ई एफ स्क्वायर इजिकल टू ए सी अपॉन में डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब किसी भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, अगर स्क्वायर को हम उधर भेज दें तो क्या होता है, कोई भी चीज़ है जैसे ये स्क्वायर है इजिकल टू वन है, ठीक, अगर हमने इसको स्क्वायर उधर भेजे तो क्या होगा, अंडर रूट वन प्लस वन। अब किसी चीज़ पे अंडर रूट होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, क्या होता है, वन। सिमिलरली अगर हम इसको वहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा,
AB upon में DE is equal to BC upon में EF is equal to AC upon में DF is equal to 1। ठीक है, सारी चीज़ यहीं पर आके बैठ गई। अब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AB, सो हम कर सकते हैं कि AB is equal to DC, क्यों भाई 1 is equal to उधर ले जा, क्या हो जाएगा AB is equal to DC, सेम थ्री BC is equal to EF, AC is equal to DF। क्या बताया था भाई कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, तो कॉन्ग्रेंट है, हेंस प्रूव। अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में चाहिए।